बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 13th ऑफ अक्टूबर 2020। द टॉपिक इज एन इवनिंग वेट विद रेम बाय वीपी दीप, स्कूल बीएचएसएस खुमरियाल, टीचर महरमन आहंगर। शायर क्या है, वीपी दीप क्या है? ये एक तन्हाई में फंसा है, अंधेरा है, हर तरफ खामोशी खामोशी है और ज़ोरदार बारिश हो रही है। शायर जो है वो बारिश में फंसा है, अब वो सोचता है कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इस कैफियत को इसने इजहार किया इस पोइम में, और फिर अपने बचपन को भी याद करता है ये आगे चलकर। बचपन की यादें इसे आते हैं कि जब वो छोटा था, बेगम था, ऐसे किसी किस्म का कोई गम नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी। और आज ये जब तनहा फंसा है तो इसे मालूम होता है कि इसकी ज़िंदगी जो है ये अब आखिरी लम्हात में है और कोई सहारा नहीं है। तो हर तरफ जब इसे अंधेरा और मायूसी छा रही है, इसी चीज़ का ये इजहार कर रहा है। तो इन लाइनों में कहता है ये एन इवनिंग वेट विद रेन। इवनिंग है, टाइम इज इवनिंग, शाम का वक्त है और रेन हो रही है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। एवरी साइड देयर इज वेट। As I walk, I stands for the poet. यहाँ I means मैं means वीपी दीप और the poet, poet के लिए I आया है। Through the lane, ये किसी street से जा रहा है। And the street is with our people. The streets are deserted. वहाँ पर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है। The heart beckons, the hands to hold them with love. इसका दिल जो है वो इशारों में किसी के हाथ को पकड़ने को चाहता है। क्योंकि शायर जो है वो सॉलिट्यूड और लोनलीनेस फील करता है, महसूस करता है, तनाही महसूस करता है, तो वो किसी के हैंड्स को होल्ड करना चाहता है, अपने मोहब्बत और प्यार के साथ किसी के हाथों को हाथ में लेना चाहता है। लेकिन इसे कोई नज़र आता नहीं है। ही डज नॉट लुक एनी वन, ही इज़ अलोन इन द स्ट्रीट। The time is evening, there is darkness every side. The mind also knows the subtle signals of the breeze. बस अगर दिमाग को कोई सहारा मिलता है, कोई ठंडक मिलता है, तो वो ब्रीज से, ठंडी हवाओं से मिलती है। जो के जो हवा के जा रहे हैं, इनसे इसके दिमाग को कोई तरोताजगी मिल रही है और ऊपर से ज़ोरदार बारिश हो रही है। अब शायर परेशान है तो कहता है Should I stand on the ground? क्या मैं इसी ग्राउंड पर रहूं और वॉफ विद द विंड, या हवा के साथ उड़ूं? तो यहाँ पर शायर के कहने का मकसद है कि इसी बारिश में रहूं, या कहीं किसी दरख्त के नीचे या किसी दीवार के सहारे में मैं रहूं और बारिश से बच जाऊं, जाऊं तो जाऊं कहाँ। द पोएट डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन, इसे अपनी मंजिल की कोई खबर ही नहीं है। शायर कहाँ जाएगा, तरहाई में कहाँ जा रहा है, इसे मालूम नहीं है। ये सुबह इंशाल्लाह ताला इसका दूसरा बंद पढ़ेंगे। ओके।